से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने आम इंतखाबात से मुतालिक बड़ा दावा कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में शेख रशीद ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन की बजाय नए इलेक्शन पर मामला तय पा गए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने वाजारा के शौहर जहीर और अहले खाना के शिनाख्ती कार्ड्स और अकाउंट सील करने का हुक्म वापस ले लिया। सिंध हाई कोर्ट में महदी काजमी की जानिब से वाजारा के शौहर जहीर और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान आज लाहौर पहुंचेंगे, जहां पर वो पीटीआई और काफ लीग के पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज लाहौर का एक रोजा दौरा करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि 22 जुलाई तक मुल्क ज़र मुबादला ज़खायर में 82.59 करोड़ कमी हुई। मुल्क ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर 14,41,46,00,000 रह गए। इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि 1-2 दिन में फैसला कर लेंगे इस हुकूमत को कब घर भेजना है। फवाद चौधरी ने कहा, मौजूदा हुकूमत को घर भेजने में कोई मसला नहीं, हमारे 1-2 पॉइंट्स हैं जिस पर काम हो रहा है, बस 1-2 रोज़ में हुकूमत को घर भेजने का फैसला कर लेंगे। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के डेप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली रोलिंग केस के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि नाइंसाफी करनी थी, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बनाया गया। इसलिए नए लाइफ बॉय में है एक्टिव सिल्वर, जो दे जरासीम से 10 गुना बेहतर हिफाजत। नया सिल्वर लाइफ बॉय, दुनिया का नंबर 1 जर्म प्रोटेक्शन सोप।